Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. So in this video हम बात करेंगे रिगार्डिंग द लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी। काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर कि कैसे प्लान करना चाहिए हमको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे शायद बोथ ग्रुप दे रहे, कुछ सिंगल ग्रुप दे रहे, शायद कुछ का कुछ पार्ट पढ़ना बाकी है अभी भी, कुछ का शायद ऑल सब्जेक्ट हो चुका है और रिविजन फेज में। तो हाउ टू प्लान फॉर दिस लास्ट 2 मंथ, बिकॉज अभी हर एक कदम आपको एकदम फूक फूक के रखना है ना, क्योंकि आइडियली भाई जितना समय कम बचता हुआ चलेगा ना, ये आपके आखिरी के क्षण ही है जो आपके डेस्टिनी डिसाइड करने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम दिमाग से ठंडे दिमाग से पढ़ना है, लेकिन क्या ऐसा करें जिससे हमको मालूम पड़े कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे, बिकॉज अगर आप आइडियली देखें वी हैव ओनली 55 डेज, ओनली नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत है, नहीं पढ़ने वालों के लिए 55 क्या 550 डेज भी कम है, ठीक है। तो 550 सुन के कितना अच्छा लगा ना, एनीवे छोड़ो, तो 55 ही आपके पास, बट इफेक्टिवली देखिए तो 55 भी नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें से आप 5 डेज तो एफआर पढ़ोगे, है ना, जो एटलीस्ट ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स या ग्रुप 1 दे रहे, जो शायद सेकंड ग्रुप भी दे रहे, उनको 10 डेज का बफर मिल जाएगा, है ना। बट जो भी है अप्रॉक्सीमेटली इतने लगभग दिन आपके पास बचे हैं। अब प्लान कैसे करें, ये प्लान सुनने के पहले सब्सक्राइब किए हो ना, सुनते हो ना, इसलिए यूजफुल नहीं लगता है सब्सक्राइब करके सुनने का। उसके अलावा पसंद आए लाइक जरूर करना, ठीक है, और दोस्तों का शेयर भी करने का, सबका भला करने का भाई। चलो ठीक है, अब सुनो कैसे प्लान करेंगे। तो मैं एक एक कैटेगरी की इंडिविजुअली बात करूंगा और वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा कि ये तो करके ही जाना, ठीक है, ताकि आपका एकदम फुल प्रूफ प्लान रेडी हो जाए। सबसे पहले बात करते जो बोथ ग्रुप देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके ऑल सब्जेक्ट डन है तो यू आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। अपने आप से ये मत कहना कि मैं और कर लेता, आप जो भी पोजीशन में अच्छे पोजीशन में अगर आप यहाँ हो तो, है ना। तो जितना समय बचा है उसमें प्लान कैसे करना आपको, बेसिकली 50 डेज है, प्लान करो अभी जितना भी हुआ, ठीक है। यहाँ से एटलीस्ट 2 रिविजन और करना ही है, 2 रिविजन कैसे करेंगे सर 50 डेज में? तो 50 डेज को आप है ना 2 पार्ट में बांट दो, एक 30 डेज एक 20 डेज। 30 डेज में अपना एक पूरा रिविजन करेंगे, 20 डेज में एक रिविजन और करेंगे, ठीक है। ऐसा 2 रिविजन बेयर मिनिमम टारगेट करके चलना, ठीक है। उसके अलावा कोशिश ये करना कि आप जब रिवीजन प्लान कर रहे हो ना तो एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, 2 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जो ये कैटेगरी में है वो ऑलरेडी अच्छे पोजीशन में, ट्रस्ट योर सेल्फ, चल रही अच्छी प्रिपरेशन, चलते रहने देना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और 2 रिविजन यहां से और एम करना, पहली चीज। सेकेंड चीज, जिनका शायद कुछ पोर्शन बाकी है, सर आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है कि अभी तक पोर्शन बाकी होता है, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इट इज फाइन, बाकी है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लान कैसे करें ये बताओ, ठीक है। तो अब इस केस में आप आज से अपने दिनचर्या को 2 पार्ट में बांट देना, ठीक है। एक होगा आपका 30% टाइम और एक आपका होगा 70% टाइम, ठीक है। 30% टाइम में आप जो भी अपना पेंडिंग वाला पार्ट है, जो पेंडिंग सब्जेक्ट है, पेंडिंग चैप्टर्स है, वो कंप्लीट करोगे, और 70% वाले टाइम में यू विल हैव टू स्टार्ट योर रिविजन। तो 30% टाइम में जो भी आपका सपोज फॉर एग्जांपल किसका आईडीटी चल रहा होगा या डीटी चल रहा होगा, तो वो कंप्लीट करो, सुबह के 3 घंटा 4 घंटा दे दो, और जो 70% टाइम है बाकी उसमें रिवीजन करोगे। अब इस 70% टाइम में कितने सब्जेक्ट का रिवीजन करें सर? मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक आप ऑलरेडी नया पढ़ रहे हो, तो इस 2 का रिवीजन करो, ठीक है। उसके अलावा जिसका भी कोई सब्जेक्ट पेंडिंग चल रहा है, मेक श्योर जिसका भी आप लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो उसको आप डेली बेस पे रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आइडियली ये जो सब्जेक्ट आपका पेंडिंग चल रहा है, जो नया पढ़ रहे हो ना, उसको आपको बाद में शायद उतने इफेक्टिवली या ज्यादा दिन देकर रिवाइज करने का समय नहीं मिलेगा। तो यही आपका लेक्चर है, यही आपका फर्स्ट रीडिंग है ना, मैक्सिमम आपको 1 या 2 बार आगे रिवाइज करने मिले, उसको ऊपर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना जो भी आप लेक्चर चल रहे हैं आपके बाय चांस इफ एनी, तो प्लीज उसको डेली बेस पे रिवाइज करते हुए चलना एकदम फुल प्रूफ तरीके से, और 70% का रिविजन शुरू करना। अब मैं ना इनको एक कॉन्फिडेंस की बात देता हूँ, काफी बच्चे डर जाते हैं कि सर हमारा बाकी डर, टेंशन लेने वाली बात है, इट इज फाइन होता है। एक बात ध्यान रखना, लेट पढ़ने का भी अपना एक अलग फायदा है, क्योंकि जो लेट पढ़ा है ना वो आपको फ्रेश याद रहता है ना, और उसमें रिवीजन कंपैरेटिवली कम लगते हैं। मतलब अगर बाकी सब्जेक्ट में 3 चाहिए तो इसमें 2 ही चलेगा, 2 ही मिलेगा तो भी चलेगा, 1 मिलेगा तो भी चलेगा, क्वालिटी मैटर्स, राइट। तो इट इज फाइन, बट ऑफकोर्स अपन सब कुछ नया नहीं पढ़ सकते ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोथ ग्रुप के लिए। तो जिनका ऑल सब्जेक्ट हो चुका है, मैंने बताया स्टार्ट विद द रिवीजन, दिन में 2 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 3, 2 रिवीजन एम करना। जिनका पेंडिंग है इस तरीके से प्लान करो, ठीक है। अब बारी आती है जिनका सिंगल ग्रुप बाकी है, ठीक है। अगर आपका सब सब्जेक्ट हो चुका है तब तो जो मैंने इनके लिए बोला वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई सब सब्जेक्ट एक बार पढ़ के हो चुका, 2 महीने है, आराम से 2 भी नहीं आप तो 3 रिवीजन कर सकते हो 50 दिन में। कैसे? 20, 20, 10 या 25, 15, 10 ऐसा करके कर लो, बराबर 50 दिन है, 25, 15, 10 के रेशियो में बांट दो, 25 डेज फर्स्ट रिवीजन, 15 डेज सेकंड रिवीजन, 10 डेज थर्ड रिवीजन, बराबर, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट की बात भी लास्ट में करने वाला, ध्यान रखना। एनीवेज, उसके बाद जिनका पेंडिंग चल रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो आप कैसे प्लान करोगे? अब मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, ठीक है। आपके पास है ना जिनका भी वन ग्रुप है और कोई भी सब्जेक्ट पेंडिंग है, आई एम गिविंग अ डेडलाइन ऑफ नेक्स्ट 10 डेज। मतलब आप मान लो आपका डेडलाइन है ना करीबन करीबन 15 से 20 सितंबर तक का होगा, ठीक है। इस समय तक आप अपना कंटिन्यूअसली जो भी बाकी है कंप्लीट कर लो। भगाने नहीं बोल रहा हूं मैं, कंप्लीट कर लो मतलब लेक्चर्स वगैरह देख के डेली बेस के कंप्लीट कर लो। मतलब इस दिन तक आप नया पढ़ते हुए चलोगे तो भी चलेगा। जैसे आपका 15th या 16th आ जाए, आप ये वाले कैटेगरी में चले जाना, जहां आप क्या करोगे, जैसे सपोज आपका 15 की डेडलाइन लगता है अपन, ठीक है, सपोज 15 सितंबर आ गया, अभी भी कुछ बाकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है क्या करना, आफ्टर 15 सितंबर आप अपने दिनचर्या को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक 30%, एक 70%। फिर आप क्या करोगे, 16 सितंबर ऑनवर्ड्स आप 30% टाइम नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, 70% टाइम पुराना रिवाइज करोगे। बट टिल 15 सितंबर आप नया पढ़ सकते हो, पूरा नया पढ़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट फ्रॉम 16th यू विल हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन ऑल्सो। तो अगर बाय चांस कुछ पेंडिंग रह गया तो 30% टाइम पुराना रिवाइज, 70% टाइम नया पढ़ना है, ऐसा बांट देना, ठीक है। सर रिवीजन कितना करें, देखो जितने अवेलेबल टाइम में आप जो बेस्ट कर सकते हो करने का ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 2 रिवीजन टारगेट करना, एटलीस्ट 2 हो जाएगा। अगर आप 15 से ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे हो जाएगा 2 आराम से, ठीक है। आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो हो जाता है। 2 रिवीजन अभी करोगे, एग्जाम के पहले एक बार पढ़ोगे, 3 बार हो गया, और एक बार पहले पढ़ चुके हो क्लासेस के थ्रू, जिसके भी थ्रू, तो इट इज सफिशिएंट। अच्छा, जो ग्रुप 2 वाले, आप अपने डेडलाइन में 10 दिन ऐड करके चल लो, क्योंकि आपका एग्जाम लेट शुरू होता है, तो आप अपनी डेडलाइन सपोज 23 सितंबर तक रख सकते हो। 23rd तक जो भी पेंडिंग पार्ट है सब कंप्लीट कर लो, नया वगैरह जो भी पढ़ना है। फ्रॉम 24th वही, अगर कुछ बाई चांस बाकी रह गया तो 30-70 का रेशियो। सर अगर 23rd तक मैंने पूरा कर लिया तो, अरे तब तो सोने पे सुहागा, तब तो 24th से ही आप रिवीजन शुरू कर दो, बढ़िया बढ़िया एकदम, समझ रहे हो। तो ये डेडलाइंस की बातें हो गई। तो जिसका कुछ पेंडिंग है, मैंने कंफर्ट जोन दिया था किस तरीके से टैकल करना है ना। जिसका हो चुका है आप तो बढ़िया हो, रिवाइज करना चालू करना है। अब 2 इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है, हर बच्चे का ऐसा उसको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि है ना मेरा ये सब्जेक्ट कोई वीक है, जैसे ऑडिट है, तो मुझे लगता था मेरा ऑडिट है ना, मेरे को बड़ा डर लगता था ऑडिट से, ठीक है। तो मैं पता क्या करता था उस टाइम पे, शुभम केसवानी सर नहीं था ना, वाह वाह सर वाह, ठीक है। एनीवेज, तो मैंने क्या किया था, ऑडिट में डिसाइड कर लिया था कि ना मैं ऑडिट में एक रिविजन एक्स्ट्रा करूंगा। क्या करूंगा, ऑडिट में एक रिविजन एक्स्ट्रा करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बाकी सब्जेक्ट में 2 रिविजन कर रहा हूं तो मैं ऑडिट में 3 करूंगा। अगर मैं बाकी में 1 रिवीजन कर रहा हूं तो ऑडिट में मैं 2 करूंगा। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट, अपन क्या भागते हैं, अपन बोलते हैं ये नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब पढ़ने लग जाते हैं। ये मत करना, ये गलती करते हो। जो तकलीफ देता है सब्जेक्ट उसको पहले टैकल करना चाहिए। तुम समझ रहे हो, मालूम पड़ा तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तो उस बीमारी को छोड़कर बाकी चीज पर ना फोकस करोगे, पहले बीमारी को ठीक करना है उसको। तो अगर कोई सब्जेक्ट वीक लगता है पहले उस पर फोकस करना, फिर आगे बात करना, ठीक है। उसके अलावा ये एक हो गया, तो एक्स्ट्रा रिवीजन फॉर द वीकर सब्जेक्ट, बाकी जितना भी कर रहे हो उससे कंपैरेटिवली एक ज्यादा वीक में करना है, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करना एक मॉक टेस्ट देना ही है हर सब्जेक्ट का। सर कैसे दे, टाइम ही नहीं है सर, मैं बताता हूँ कैसे देना है। सपोज आपने ना एसएफएम को रिवाइज करने के लिए 5 डेज दिए फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट 4.5 डेज आप रिविजन करोगे, और जो 5th डे का आखिरी आधा पार्ट ऑफ द डे है उसमें आप लास्ट के 4 घंटा रखोगे मॉक टेस्ट के लिए, बराबर। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैं 5th 6th 7th 8th 9th एसएफएम पढ़ने वाला हूं, तो 5th 6th 7th 8th 9th में एसएफएम पढ़ूंगा। 9th के शायद शाम को 5 बजे तक पढ़ूंगा एसएफएम, 6 से लेकर 10 रात को मैं मॉक टेस्ट का समय रखूंगा, जहां मैं 3 घंटा मॉक टेस्ट दूंगा और 1 घंटा उसको खुद चेक करूंगा। किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, किसी से और से चेक करवाओगे तो मार्क्स मालूम पड़ेंगे, गलतियां नहीं मालूम पड़ेगी। खुद पेपर दो, सेस्टर खोलो, खुद चेक करो, उससे गलतियां मालूम पड़ेगी, और गलतियों से आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मालूम पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। ये बात ध्यान रखना, बराबर। तो खुद ही देना है, खुद ही चेक करना है, 4 घंटा लास्ट करने पे रखना ही है। कैसा भी सिचुएशन हो, एक मॉक टेस्ट देके जाओगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा भाई, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो प्लान अकॉर्डिंगली करना। सर कौन सा मॉक टेस्ट दे, आईसीआई का मॉक टेस्ट इज द बेस्ट मॉक टेस्ट, वो दे दोगे सफिशियंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको करनी है। उसके अलावा एक आखिरी बोनस चीज आपको देता हूं मैं एफआर का, मैंने ना वैसे 10 to 12 डेज प्लानर शेयर किया हुआ एक पहले फर्स्ट रिवीजन के लिए। अब मैं कुछ दिनों के अंदर, शायद मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, मैं आपके लिए एफआर का एक 7 या 8 डेज प्लानर लेके आने वाला हूँ, जो मैं अपने टेलीग्राम पर डालूंगा। तो मेरे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उस पर पोस्ट करूंगा वो प्लानर 7-8 डेज में पूरा एफआर कैसे रिवाइज करना है, तो वो आपको वहाँ काम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए यूजफुल टिप्स है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अपना जो प्लान, अच्छा प्लान करके पढ़ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे, प्लान करके पढ़ना, स्टिक रहना अपने प्लान को, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान करो, टेंशन मत लो, जो भी सिचुएशन है यू कैन स्टिल क्रैक इट। दो 55 डेज बहुत होते हैं। अगर आप दिन का 12 घंटा पढ़ते हो तो 55 डेज इंटू 12 करोगे तो मोर देन 600 आवर्स आपके पास, ठीक है। तो पढ़ने वाले इंसान के लिए बहुत है ना। बस मेहनत करने से जूझना मत, मेहनत करने से कतराना मत। अगर आप ये बोलोगे ना सर मेहनत नहीं हो रही मेरे से, बाकी सब हो जाएगा मेरे से, तो भाई कोई इलाज नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। तुम बोलोगे मेरे को नींद आता है, मेरा पढ़ाई नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को वैसा लगता है, भाई एक्सक्यूजे से तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, बराबर। एक्सक्यूजे से तुम्हारे मन को बहाना मिलेगा और तुम पढ़ाई से दूर भागोगे। 100 रीज़न हो गए नहीं पढ़ने के, एक तो होगा ना रीज़न पढ़ने के लिए, फैमिली सिचुएशन होंगे, मॉम डैड होंगे, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, कुछ तो होगा ना भाई पढ़ने का एक रीज़न। वो एक रीज़न ढूंढना और उसकी वजह से पढ़ने बैठ जाना चुपचाप, ठीक है। क्योंकि रीज़न दोगे, तुम सबको रीज़न देते बैठोगे, मेरा ये नहीं है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, किसी को तुम्हारे रीज़न से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है। जिसको रीज़न दे रहा है उसका तो हो नहीं रहा है, ICI का हो नहीं रहा है ना। उनको तो 10-15 लोग को पास करना है, 100 में से वो कर देंगे, तुम रीज़न देते रह जाओगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। So be little harsh on yourself in terms of working hard, and you have to study. Make that promise to yourself today itself, right? And I know somewhere down that you have the potential to clear it. Just एक level of dedication चाहिए, एक level of commitment चाहिए कि मैं करके दिखा दूंगा। जिस दिन वो commitment अंदर से आ गया ना, तुमको कोई भी hard work करने से नहीं रोक सकता। तो वो commitment अंदर से ले आओ और मैं बोला हूँ आग लगा दो। तुमने पिछले दिनों में कितना भी टाइम वेस्ट किया हो, कर दिया, हो गई गलती, सॉरी बोलो अपने आप से और आगे बढ़ो। और आज ठान लो कि आज के बाद जो मैं हार्डवर्क करूंगा उस लेवल का हार्डवर्क और कोई नहीं कर सकता। इस लेवल का डेडिकेशन लेकर आना आज के बाद। लास्ट 50-55 डेज में जितना खींच सकते हो खींच लो, अपने आप को निचोड़ दो पूरा। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, मेरा रिजल्ट होएगा, तुम्हारा प्रोसेस अच्छा रहेगा, मेहनत करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के बाद पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उस पर फोकस हटा दो। आज के बाद मैं मेरा हार्डवर्क और जो मेरे को करना है मैं अचीव करके रहूँगा। फिर देखते हैं तुम फेल होने से, मतलब तुम फेल कैसे होते हैं वो देखते हैं अपन, राइट। तुम पास होके ही रहोगे भाई साहब, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो एंड यू विल श्योरली क्रैक इट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर लो अपने आपसे चाहिए तो सर आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, है ना। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।